अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं अभी सुबह उठा था तो उठते साथ ही मुझे पता लगा कि मिस्त्री आ गए, तो इनको ऊपर मैंने समझा दिया कि क्या बनाना है, तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और बेसिक काम जो कि बेसिकली बाउंड्री बनाने वाला है वो ये कर देंगे, और फिर मैं आके इनको बता दूंगा कि जो है वो इन फ्यूचर मैंने कोई पिजन वगैरह लाने हैं तो उनके लिए जो छोटे छोटे खुड्डे बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, किधर बनाने हैं। जितनी देर ये बेसिक काम करते हैं उतनी देर जो है वो फिर हम नाश्ता शाश्ता कर लेते हैं, तो इनको इनका काम करने देते हैं। तो गाइस, हमने नाश्ता नाश्ता कर लिया, मैंने अब मैं ऊपर आया हूँ, तो काम जो है वो चल रहा है। एक ईंट का काम जो है वो एक साइड पूरी 20 फुट की कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो एक होल हमने यहाँ पे रखवाया है। बेसिकली अगर हम इन फ्यूचर अगर धोएं पिंजरा तो जो है वो इधर से पानी शानी जो है वो बाहर आ सके। ये जब ये पिंजरे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम फैंसी वाले कबूतर लेके आना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए जो है वो खुडे शुडे बनाएंगे यहाँ करके दीवार के साथ। एक जो 20 फुट लंबी ऐसे दीवार बननी थी वो हमारी बन चुकी है। अब जो है अब हमारी बनेंगी 2 10 बाय 10 की ब्लॉक्स बनाने के लिए, डब्बे बनाने के लिए। एक दीवार बनेगी इधर और एक बनेगी इधर जहाँ ये भाई ईंटें रख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 बाय 10 के 2 डब्बे बन चुके हैं। अब बेसिकली हम कबूतरों के लिए जो बॉक्सेस बनाने हैं वो इस कोने में बनाने लगे हैं, क्योंकि सूरज जो है वो बेसिकली इस साइड से ऐसे आता है, तो जब फाइबर डल जाएगी ऊपर तो उस कोने में जो है ना वो धूप कम हुआ करेगी, तो हम उस साइड पर जो है ना वो डब्बे बनाने लगे हैं कबूतरों के लिए।
हमारे जो हैं 10 बाय 10 फुट के बॉक्सेस और जो पिजन्स के लिए हमने खुडे से बनाने हैं वो बांध चुके हैं ये सारे। और अब बेसिकली बस प्लास्टर होना बाकी रह गया। मैं प्लास्टर करवा रहा हूँ दीवारों को ताकि जो है वो थोड़ी सी नीट लुक आ जाए दीवारों की, और फिर बाद में इस पे हम चूने वाला पेंट कर लेंगे ताकि जो है वो कीड़ियाँ वगैरह ना आए इतनी। आज जो है ऊपर काम करने में लगे रहे हैं तो इनकी जो है वो सफाई से कोई अभी तक नहीं की मैंने, इन्होंने काफ़ी गंचन डाला हुआ है इनको, जल्दी से मैंने दाना शाना तो डाल दिया और अब इनके वाटर फीडर देखे इन्होंने बहुत गंदे किए हुए हैं तो इनको धो लेते हैं और ताकि उनको साफ़ पानी दे सकें, और इधर जो है ना वो कोई ब्रश ब्रश लगा के ना इर्द गिर्द जितना इन्होंने गंद डाला वो सारा जो है ना वो साफ़ कर लेते हैं। फिर जो है ऊपर की प्रोग्रेस मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊपर जो प्लास्टर हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, तो जल्दी से जो है ना वो इनके काम कर लेते हैं। पहले ये सारी जगह मैंने साफ़ करके गंद इकट्ठा कर लिया और अब ये वाटर फीटर जो हैं वो अंदर रख देते हैं हम ताकि इनको साफ़ पानी मिल जाए। ये बटेरों का हो गया और ये अब चूहों को पानी देते हैं। सोचा तो मैंने यही था कि जो है ना आज इनके केजिस की सफाई करेंगे, लेकिन मसला ये है कि जो दूसरा काम है ऊपर जो चल रहा है उसी में इतनी भागदौड़ हो रही है तो लग रहा है आज इनके केजिस की सफाई नहीं होगी, तो कल इनके फिर केजिस की ना सफाई कर देंगे। अभी जो है वो हम चलते हैं ऊपर और ऊपर जा कर देखते हैं कि बेसिकली ऊपर जो प्लास्टर वाला काम है वो कहाँ तक पहुँचा है, तो जल्दी से ऊपर चलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लास्टर वाला काम कहाँ तक पहुँचा है। आहा, ये तो काफ़ी प्यारा प्लास्टर हो रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि ये 20 फुट वाली दीवार प्लास्टर हो गई है और ये इस साइड से रह गया बस ये वाली दीवार प्लास्टर होनी। हमारी बाउंड्री प्लास्टर हो गई है, मिस्त्रियों को पैसे दे दिए हैं तो मिस्त्री जा चुके हैं। आप लोगों को मैं जो है फाइनल लुक वो दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से जो है वो बहुत ही खूबसूरत बाउंड्रियाँ बनी हैं और अगर आप देखें सारी साइड पे बन गई। अंदर वाली साइड पे प्लास्टर इसलिए नहीं कराया कि फिर जो है ना वो जो भी जानवर रखेंगे वो फिर सीमेंट शीमेंट टुक टुक के खाएंगे, और फिलहाल के लिए जो हमने ड्रेन होल बनाए हैं उसमें ये बोतलें फंसाई हुई हैं जो हम थोड़ा सा सीमेंट सूख जाएगा तो निकाल देंगे। एक चीज़ जो हमें आज काम कराते पता लगी कि हमारी जो छत है ना उस पर कोई पानी का कनेक्शन नहीं है, तो हम जो हैं वो एक किसी प्लम्बर शलम्बर को बुला कर ना यहाँ पे कोई नलका शलका लगवाएंगे ताकि जो है ना पाइप लगा के हम कोई सफाई सफुई करनी हो छत वगैरह की, ये जो पिंजरे बनेंगे इनकी तो वो कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।